Hey guys, welcome back. It's Arpita. I hope you all are doing extremely well. In today's video, we are going to try out some new makeup products that I bought recently. And with those products, we are going to create this makeup look. So, ये अफगानी inspired makeup look होने वाला है, जो कि आजकल काफी ज़्यादा trend में है. With all these jewelries, you can definitely, you know, guess that out. So, पहले मैं Lakme का mousse foundation use कर रही हूँ. It was a little bit brighter for my skin tone, but मैंने उसको मैनेज कर लिया. आगे जाके अगर आप देखोगे तो विथ पाउडर एंड ब्लश मैंने टोन डाउन कर दी है. बट इफ़ यू हैव योर राइट शेड देन डेफिनेटली गो अहेड विथ द राइट शेड. ठीक है, ये मेरे से 1 to 2 शेड ब्राइटर था. सो मूज फाउंडेशन जो होते हैं ना, नॉर्मली बहुत ही लाइट वेट होते हैं, बट काफ़ी अच्छा कवरेज दे देते हैं, काफ़ी अच्छा शाइनीनेस दे देते हैं. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट देम. एंड नाउ मैं अपने ब्राउज को फिल कर रही हूँ, जैसे रेगुलरली करती हूँ. दिस इज़ माई फेवरेट स्टेप, आई डोंट मिस दिस स्टेप. देन मैं न्यू प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ. अगेन दिस इज़ माई मेबेलिन. जो मैं कॉलेज टाइम से थी ना, मैं तब से ही सेम पाउडर यूज़ करती थी, बट बीच में ना बंद हो गया था बिकॉज आई डू हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स. तो उसी के अंदर इसको यूज़ करना मैं भूल जाती थी, तो कुछ प्रोडक्ट्स मेरे एक्सपायर हो गए थे. सो आई रिसीव्ड दिस न्यू वन, सो आई वाज सुपर एक्साइटेड. एंड इसका फॉर्मूला पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है. यू कैन सी जो इंस्टेंट मैट फिनिश दे रहा है, पहले पाउडर में ऐसा नहीं था मेबेलिन वाला, तो ये काफ़ी अपडेटेड वन है एंड काफ़ी अच्छा वाला है एंड अफोर्डेबल भी है. सो देन मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस बायोटिक का स्टार स्ट्रक ब्लश. ओ माई गॉड, दिस शेड इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो पिगमेंटेड. ये मेरे स्किन टोन को काफ़ी अच्छी तरीके से कम्प्लीमेंट कर रहा था. जो मेरी जो स्किन इतना वाइट वाइट दिख रहा था ना आफ्टर यूजिंग दैट फाउंडेशन, ये ब्लश लगाने के बाद इट वॉज लुकिंग सो गुड एंड टोन डाउन. पीच शेड का था. डेफिनेटली अगर आप मेरे स्किन टोन से बिलोंग करते हो, गो हेड आँख बंद करके विद दिस वन. I will give you all the links in my description box. Check them out. So उसी को लेके सेम मैं थोड़ा सा अपना जो आई शेडो की तरह उसको अप्लाई कर रही हूँ, सो दैट मैं उसके ऊपर ब्लैक काजल अप्लाई कर सकूँ. आज मैं थोड़ा सा स्मोकी लुक क्रिएट कर रही हूँ. अफगानी इंस्पायर्ड मेकअप लुक जो होते हैं ना, वो थोड़े से आईज़ उनके स्मोकी स्मोकी दिखते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट. एंड मैं अच्छी तरीके से एक स्मजिंग ब्रश लेके स्मज कर रही हूँ. नीचे वाटर लाइन पर भी अप्लाई करना है, सो दैट हमारे जो आईज़ है वो बड़े बड़े खुले खुले लगे एंड दे लुक सो ब्यूटिफुल. काजल लगाने के बाद आई विल यूज़ सम मस्कारा देन सम हाईलाइटर. तो मस्कारा मैंने सुगर कॉस्मेटिक्स का यूज़ की है एंड हाईलाइटर हीरो ब्यूटी का. बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है. इट लुक्स सो स्मूथ सटल एंड जस्ट लाइक योर नेचुरल ग्लो. तो इनर कर्नर पे भी लगा दूंगी. देन हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे, दैट इज़ आर लिपस्टिक. तो पहले ना मैं आउटलाइन कर रही हूँ बिकॉज मेरे जो लिप्स है वो काफ़ी पिगमेंटेड है. ऐसे ही अगर मैं जो न्यूड लिपस्टिक्स लगा लूँगी ना, तो काफ़ी वॉश आउट करेगा मेरे स्किन टोन को. तो पहले मैं डार्क लिपस्टिक लगाती हूँ, टोन डाउन करती हूँ एंड देन उसके ऊपर मैं न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ एंड ये फाइनल लुक ऐसे कुछ निकल के आता है. एंड यू कैन सी हाउ इट लुक्स एंड आई एम लविंग इट. थोड़ा सा मैं अपने हेयर के साथ क्या करूँ वही सोच रही हूँ, बट एनी वेज आई लव माई खुले खुले बाल, सो डूइंग दैट. सो लास्ट में मैंने जो किया ना, दैट इज़ यूजिंग दिस मिलानी कॉस्मेटिक्स का सेटिंग स्प्रे एंड दिस इज़ जस्ट टू डाई फॉर. लाइक इफ़ यू वॉन्ट अ सेटिंग स्प्रे इन योर वैनिटी एंड आपको अच्छे खासे प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना है, जस्ट गो अहेड विथ दिस वन. तो ये है फाइनल लुक. सो फार आई एम लविंग इट. एंड अगर आप लोगों को पसंद आए, नीचे कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना. सारे के सारे लिंक्स चेक करना. अगर आपको कुछ भी लेना हो तो यू कैन बाय देम बिकॉज अभी सेल चल रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छे खासे प्राइजेस में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगे. ज्वेलरीज के लिंक्स अगर मुझे कुछ मिले तो वो भी मैं मैंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो हियर वी गो विद द फाइनल लुक. मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद new content. Till then, bye.